तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, अगर आप लोग भी अंडर रूट सीखना चाहते हैं कि अंडर रूट कैसे निकाला जाता है, अगर आप लोगों को भी नहीं पता है वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप लोग वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में पूरा बन रहिएगा एंड वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉच कीजिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को तो वीडियो शेयर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एंड आपको हम पहला देखते हैं, हम यहाँ अगर आपको निकालना हो 5329 अंडर रूट का वैल्यू, तो आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे इसका? अगर आप लोग ज्ञात कर सकते हैं इसको, आप लोग गुणनखंड विधि से भी यहाँ से निकाल सकते हैं एंड इसको भाग विधि से निकालने के लिए आज आपको हम सिखाते हैं। तो भाग विधि से निकालने के लिए जस्ट आपको ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, फिर आपको ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, फिर इसको अंदर आपको लिख लेना है 5329। अब देखिए, इसमें भाग विधि से करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दाहिने साइड से इसमें जोड़ा बनता है, यानी कि दाहिने साइड कौन सा है, जैसे दाहिने साइड यानी कि डबल और डबल का जोड़ा यहाँ बन गया, तो बन गया 53। अब देखिए, इसमें आप लोग को वर्ग ऐसा वर्ग करना होता है कि 53 से ज्यादा ना हो। जैसे अगर 7 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 57 होगा, 8 × 64 हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा आपका, 7 बार जाएगा, यानी कि 7 बार जाएगा, ये आ जाएगा 49। अब देखिए 7 बार ले गए तो 7 + 7 यहाँ करते हैं, 7 + 7 करेंगे हो जाएगा आपका 14। अब देखिए 53 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका 13, 13 में से 9 हो जाए 4 बचा एंड ये अब देखिए यहाँ 14 हो गया, यहाँ 4 हो गया। अब अगर आप लोग सिंपल भाग करते हैं तो वहां पे एक अंक उतार लेते हैं, यहाँ पे आपका जोड़ा उतरता है, यानी कि पूरा पूरा यहाँ आपका ऐसे 29 पूरा पूरा उतर जाएगा, हो गया आपका 429। अब आप देखिए 14 में आपको 14, यहाँ देखिए 14 आपका है, तो 14 में आपको ऐसा गुणा करना है कि 429 से ज्यादा ना हो, लेकिन गुणा करते समय अगर आप देखिए 3 से यहाँ गुणा करते हैं तो आपको ऊपर भी यहाँ 3 से गुणा करना पड़ता है, तो ये होता है भाग विधि। देखिए गुणा करें 3 तरीका 9 हो गया, 3 × 4 12 × 2 हासिल 1, 3 × 4 देखिए हमारा 429 आ चुका है, तो यहाँ जाएगा हमारा 9 बार एंड 9 + 9 हो जाएगा, ये आएगा 429। यहाँ हम लिखे हैं 3 बार ले गए हैं, यहाँ तो 3 ही हम लिखेंगे, यहाँ 3 वहाँ था 3 लिखेंगे यहाँ 3, ये आपका हो जाएगा 146, ये पूरा आपका कट गया एंड देखिए इसका आंसर आपका आ गया 73। अब अगर आप लोग 73 का वर्ग करते हैं, 73 का वर्ग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ऐसे होता है भाग विधि। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग दूसरा सवाल लिखिए, दूसरे सवाल में आपको हम समझाते हैं। दूसरा सवाल आपको हम पॉइंट वाला समझा देते हैं, क्योंकि एक तो सिंपल हो गया, एक तो आप लोग पॉइंट वाला समझ लीजिए। अब देखिए, अगर कोई आपसे कह दे अंडर रूट 7 की वैल्यू बताइए, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 7 की वैल्यू बताने के लिए जस्ट आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना, लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ आपको 7 लिख देना है। अब हमने बताया था कि दाहिने साइड से जोड़ा लिखते हैं, इसमें तो कोई जोड़ा नहीं, तो क्या करेंगे इसमें आप लोग, इसको आप लोग डायरेक्ट करेंगे। अब देखिए आपको ऐसा वर्ग ढूंढना है कि 7 से ज्यादा ना हो। देखिए 2 का वर्ग क्या होगा, 2 दूनी 4 होगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, यानी 3 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार, 2 बार गया 2 + 2 हो जाएगा। अब देखिए 7 में से जब 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 3। अब देखिए 3 बचा, यहाँ इसमें आपको पॉइंट लगा कर कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं, जितना आपका मन हो उतना जीरो यहाँ से आप लोग बढ़ा सकते हैं, बट यहाँ उतारते समय आपका डबल अंक यहाँ उतरेगा, डबल अंक उतरने वाला है, तो यहाँ 3 बचा, अब यहाँ से आप डबल जीरो उतार सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 से 3 में करना है, यानी कि 4 का आपको ऐसा गुणा करना है कि 3 से ज्यादा ना हो, तो ये कितनी बार जाएगा आपका, ये जाएगा 6 बार, 6 × 6 कीजिए, 6 × 36 = 6 हासिल लगा 3, 6 × 24 = 24, 3 × 27 276 आया। तो यहाँ देखिए पॉइंट लगाने के बाद उतारे यहाँ लग जाएगा ऊपर आपका पॉइंट, कितनी बार गया है 6 बार गया है, यहाँ 6 + 6 कर देंगे, यहाँ आपका आ गया 276 एंड ये 46 कितना हो गया, 52 हो गया। अब इसको आप लोग यहाँ से घटा दीजिए, 10 में से 6 जाए 4 बचेगा, 9 में से 7 जाए 2 बचेगा, ये आपका बचा 24। अब फिर देखिए यहाँ 52 है, यहाँ 24 है, फिर आप 00 यहाँ से ऐसे उतार सकते हैं, तो यहाँ हो गया आपका 2400, यहाँ बचा आपका 52, तो 52 में आपको ऐसा गुणा करना है ऊपर नीचे कि 2400 से ज्यादा ना हो, तो इस बार हम यहाँ पे 4 बार ले जाने वाले हैं, 4 × 4 करेंगे, 4 × 4 हो जाएगा 16 × 6 हासिल 1, 4 × 8 = 9 हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा 20, तो आपके आगे 2096, 5 बार अगर ले आएंगे तो हम लोग का ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ ले आते हैं 4 बार, यहाँ 4 लिखते हैं प्लस करके, यहाँ
चार लिखते हैं। अब देखिए इसमें 2096 यहाँ आ गए, 2096 में यहाँ से घटाएंगे। अब 10 में से 6004 बचा, 9 में से 9000 बचा, 3 कट गया यहाँ पे, 304 हो गया। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 528 हो जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पे आ गया 304। अब यहाँ पे 528 ज्यादा, फिर हम यहाँ पे दो अंक उतार सकते हैं, आपका हो गया 30400। अब 528 में ऐसा गुणा करना है कि 30400 से ज्यादा ना हो। यहाँ देखिए आ गया है 528, यहाँ देखेंगे 528। अब 528 में आपको ऐसा गुणा करना है कि 30400 से ज्यादा ना हो, तो यहाँ गुणा करेंगे 5 बार, 5 ऊपर 5 नीचे लिखे। अब इसको गुणा करा दीजिए, 5 5 25 5, हासिल 2 हो गया, 5 8 40, 2 42 2 हासिल 4, 5 9 10 4 14 4 हासिल 1 5 5 25 26, 26425 आया। कितनी बार लिए हम, 5 बार लिए, यहाँ 5 + 5 कर देंगे एंड यहाँ ऊपर हम लिख देंगे 5 बार गया है। अब यहाँ कितना है, 26425 आया। अब इसको घटा देंगे, 10 में से 5005 बचा एंड यहाँ आपका बचा है 7, 9 बचा, 9 में से 2007 बचा, यहाँ आपका 13 में से 4 जाए 9 बचा एंड यहाँ 9 में से 6003 बचा, ये आपका 3975 हो गया। ये आपका हो गया है 5290 हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो अभी भी और भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि दशमलव के तीन स्थान तक हम ले जाते हैं, दशमलव के तीन स्थान तक लेके चला गया है एंड अंडर रूट 7 का वैल्यू 2.645 आ चुका है। इसको आप लोग कैलकुलेटर में भी करके चेक कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा एंड अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें दिक्कत हुआ हो समझने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड आप लोग उसको सॉल्व करवा सकते हैं। एंड अगर आप लोग चाहते हैं किसी और टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना कि मतलब इस टॉपिक पे सर वीडियो लाएं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक कर दीजिएगा, उस टॉपिक पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार एंड जय हिंद।